रोज सुबह खाली पेट आपको, जैसे हम चाय पीते हैं ना, तो सिप सिप करके एक एक घूंट करके आपने इसे पीना है। एक हफ्ता जब आप इसे रेगुलर पियोगे ना, आप खुद ब खुद देखोगे कि आपका वेट जो है ना कितना कम हो रहा है, खुद ब खुद आपको असर दिखेगा। बाकी अगर आप हल्की पुल्की एक्सरसाइज के साथ, वॉक के साथ इसे पीते हो, तो आपको और भी जल्दी रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। बस इसी तरह से आपने पीना है गरम गरम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ आपके लिए वेट लॉस ड्रिंक, जिसमें तीन इंग्रेडिएंट्स का मैंने इस्तेमाल किया है। और ये जो तीन इंग्रेडिएंट है, इतने फास्ट आपके वेट को रिड्यूस करते हैं। आपको इसे मॉर्निंग में खाली पेट लेना है, जिस तरह से हम चाय पीते हैं, बस उसी तरह से गरम गरम सिप सिप करते हुए आपने इसको पीना है। एक हफ्ते में ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका कितना वेट लूज हो रहा है। बाकी अगर हल्की पुल्की एक्सरसाइज के साथ, वॉक के साथ आप इसे लेते हो ना, तो आपको और भी जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। महीने भर में ही आप देखोगे कि आपकी जो बड़ी हुई टमी थी ना, वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। और जो इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं ना, वो ना सिर्फ आपके वेट लॉस के लिए ही, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपका पाचन दुरुस्त होता है। देखिए, सारी जो भी बीमारियां हैं ना, हमारे पेट से ही शुरू होती है। अगर हमारा पाचन सही नहीं है ना, तो हमें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती है। डायबिटीज़ आज की डेट में बहुत ही कॉमन सी समस्या हो गई है। थायराइड लेडीज़ में, मतलब हर तीसरी लेडी इन सारी समस्याओं से जूझ रही है। लेडीज़, ना सिर्फ लेडीज़ ही, जेंट्स लोगों को भी हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो ड्रिंक है ना, तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और आपकी ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही बेस्ट है, थायराइड के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। मतलब ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त ये ड्रिंक है। एक चाय की तरह आप इसे डेली अपनी लाइफ रूटीन में शामिल कर लीजिए। आपको ना ही तो कोई बीमारियां रहेंगी, और ना ही तो आपका ये मोटापा रहेगा, सब छूमंतर हो जाएगा। तो कैसे आपको इसे तैयार करना है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए, आपको एक कोई भी बर्तन ले लीजिए। आधा गिलास आपको पानी का इसमें ऐड करना है, पूरा गिलास नहीं ऐड करना है, आधा ही गिलास इसमें हम पानी का ऐड करेंगे। और सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा, वो है धनिया। धनिया के बारे में आप सबने सुन रखा होगा कि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही साथ इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। आप ग्रीन वाला धनिया जो हम सब्जी में काट के डालते हैं, वो भी ले सकते हैं। और अगर आप बीज लेना चाहें, तो बीज भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास इजिली अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। मेरे पास बीज थे, तो मैंने यहाँ पे बीजों से तैयार किया। और बीज और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत सारे इनमें और भी न्यूट्रिशंस होते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया, फाइबर भरपूर मात्रा में है। फाइबर जब किसी चीज़ में भरपूर मात्रा में होता है, तो आपको मतलब काफ़ी देर तक ऐसा फील होता है कि आपकी जो टमी है ना, वो फुल है। आपको खाने की क्रेविंग्स नहीं होती हैं। और जब मोटापा कैसे हमारा बढ़ता है, हमें बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है, ये खाना है, वो खाना है, मतलब पूरा दिन भर कुछ ना कुछ थूसते ही रहते हैं। तो जब हमें हमारा पेट भरा भरा सा लगेगा ना, तो हमें खाने की क्रेविंग्स कम होगी। और जितना हम कम खाएंगे, ऑब्वियसली अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं, तभी तो वो हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हमें उतना ही खाना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी को नीड है। यहीं से मतलब हम गलती करते हैं। तो फाइबर भरपूर मात्रा में होने की वजह से आपको, आपका पेट थोड़ा भरा भरा सा लगता है, और काफ़ी देर बाद आपको भूख लगेगी। पहला इंग्रेडिएंट तो ये हो गया धनिया। बाकी धनिया हमारे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। एक चीज़ मेरे पास पहले भी क्वेश्चन आए थे, जब मैंने आपके साथ वेट लॉस ड्रिंक शेयर किए थे, एक क्वेश्चन था कि हम डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं, हम जो भी कोई भी दवाई आप लेते हो, तो क्या अभी हम ये खाली पेट पी सकते हैं? देखिए, चाय हम डेली पीते हैं ना, चाय से हम दवाई ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तब भी हम चाय पीते ही है ना। बाकी जिनको शुगर की बीमारी है, वो चीनी स्किप करके, मतलब थोड़ा अपना अलग सब्स्टिट्यूट निकाल करके उस तरह से, तो आप इसे पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ों के साथ इसको तैयार किया गया है। जो कि हम नॉर्मली हमारे मसालों में भी ये चीज़ जाती जाती है, खाने में धनिया हम इस्तेमाल करते ही करते हैं। बाकी दो और जो चीज़ें मैं यहाँ पे ले रही हूँ, वो भी आप इजीली ले सकते हो। एक मसाले की तरह ही हम लोग उसे खाने में इस्तेमाल करते हैं।
और मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए जब भी हम सुबह उठते हैं ना, तो खाली पेट हमें बिना ब्रश किए गुनगुना पानी पीने की एक हैबिट होनी चाहिए। वेट लॉस के लिए गुनगुना पानी नहीं पी सकते हो तो नॉर्मल वाटर, लेकिन आपको डेली लगभग 2 गिलास पानी पीना चाहिए उठते ही। रात भर हमारी बॉडी जो होती है रेस्ट पे होती है, डिहाइड्रेट होती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो सुबह उठते ही आपको पानी की वो कमी को पूरा करना चाहिए। तो 2 गिलास पानी आपको ज़रूर पीने चाहिए। गुनगुना नहीं भी पी रहे हो तो नॉर्मल वाटर भी पी सकते हो, तो ये एक हैबिट होनी ही चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होंगे वो भी फ्लश आउट हो जाते हैं, और हमारी जो स्किन है ना वो भी चमकीली आपको दिखती है, ग्लोइंग आपका फेस दिखता है, आपके बाल भी अच्छे होते हैं। मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बेनिफिट है, ऐसा नहीं कि वेट लॉस के लिए ही, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है ये चीज़। तो ये चीज़ है। बाकी धनिया आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म रेट अगर आपका बूस्ट है तो आपका वेट जो है जल्दी जल्दी रिड्यूस होता है, तो इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्ग्रीडियंट है। तो 1 चम्मच धनिया आपको बॉईल करना है पानी में। इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। आपने क्या करना है कि 1 चम्मच धनिया, ये जो सीड्स हमने लिए हैं, रात भर इनको भिगोने के लिए डाल दीजिए, और सुबह आप उस पानी को पी लेते हैं तब भी आपको वही फ़ायदा मिलने वाला है। और बाकी जो धनिया के बीज रह गए उनको भी आप चबा चबा करके खा सकते हो। अगर नहीं खाना है तो उन्हें साइड में आप कर दीजिए, आप सब्जी में उनका यूज़ कर सकते हैं जब खाना बना रहे हैं तब। अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है जीरा। जीरे के बारे में मैंने पहले से ही आपको बताया हुआ है कि वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है। जीरे में भी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती जब भी हम जीरे का ड्रिंक लेते हैं तो। इसके अलावा भी जीरे में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, इस तरह के खनिज भी जीरे में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए काम करते हैं। इसके अलावा भी जीरे में विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन ई पाई जाती है, विटामिन के भी पाई जाती है, और साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाई जाती है। जब हमें छाले वगैरह हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें बी कॉम्प्लेक्स के जो कैप्सूल होते हैं वो सजेस्ट करते हैं। तो जीरा जो है उन सारी कमियों को भी दूर करता है। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है, आपको अपनी बॉडी को हैबिचुअल करते हुए चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो जब आप ड्रिंक बना रहे हो, धनिया बेशक आपने 1 चम्मच ले लिया, छोटा चम्मच लेना है, लेकिन जीरे की जो क्वांटिटी है 1/4 टीस्पून की जितना होनी चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम ड्रिंक बना रहे हो। तो ज़्यादा क्वांटिटी ना लें, और फिर आप थोड़ा सा उसको इनक्रीज़ कर सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच से ज़्यादा एक दिन में जीरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक तो गर्म तासीर का भी होता है, और जब आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हो तो उसके आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने 1/4 टीस्पून के जितना ही लेना है। इसके बाद अब बात करते हैं थर्ड इंग्रेडिएंट की, जो कि है मीठी सौंफ। जो हरे हरे जो हम चाय में भी इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ें जो भी बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो सौंफ है ना, एक तो आपके पाचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है। सौंफ में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है, तो आपकी आंखों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ इसमें भी कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो ओवरऑल ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो इसको भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1/4 टीस्पून के जितना ही लेना है। जितना आपने जीरा लिया था उतना ही आपको ये मीठी सौंफ लेनी है, दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी। जबकि धनिया जो है, जितना आपने जीरा लिया था तो उसकी डबल क्वांटिटी रहेगी, मतलब 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे धनिया का लिया था। तीनों चीज़ों को आपने बहुत ही बढ़िया तरह से उबलने देना है, बॉईल होने देना है, फिर आप देखोगे कि आपके जो पानी का कलर है वो भी कुछ इस तरह का हो जाता है, चाय की तरह। और फिर इसको हमने छान लेना है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिप सिप करते हुए जब ये गुनगुना है, या जैसे चाय आप पीते हो उस तरह से भी आप पी सकते हो। तो खाली पेट जब आप इस तरह का कोई भी ड्रिंक लेते हो ना,
बहुत ही बढ़िया तरह से जितने भी न्यूट्रिशन उन चीज़ों के अंदर होते हैं ना उनको आपकी बॉडी में रिलीज करता है और फिर आपका मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करके आपका वेट लूज करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होगा, आपकी आँखों के लिए ये सब चीज़ें अच्छी हैं, आपकी स्किन के लिए अच्छी हैं, बालों के लिए अच्छी हैं। तो इस तरह से मतलब आप इस ड्रिंक का डेली चाय की तरह सेवन कर सकते हैं और अपने वेट, बढ़े हुए वेट से छुटकारा पा सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए दोबारा कहना चाहूँगी कि हल्की पुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉक करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।